हमेशा टेंशन होती है कि यार कौन सा फोन एप्पल या सैमसंग कौन सी बेटर प्राइसिंग के साथ आ रहा है। तो ये वाला इशू मैं इस व्लॉग के साथ सॉल्व करना चाहूँगा और इसलिए मैं जा रहा हूँ ब्रैमली सिटी सेंटर, जहाँ की आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर से कंफर्म करके बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा फ़ोन अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और आपको कौन सा फ़ोन $100 के अंदर पड़ेगा पर मंथ और कौन सा उसके ऊपर जाएगा। एंड इसमें आईफोन 15 प्रो भी कवर होता है, जो कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि यू विल बी शॉक्ड बाय द प्राइसेस जो कि आपको वहाँ अवेलेबल होंगी और आप खरीद सकते हो। एंड सबका मन होता है यार आईफोन, जब आईफोन रिलीज होता है तो आईफोन लें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। बस 37 मिनट की मेरी बस राइड है वहाँ पे, तो वहाँ तक पहुँच के आपको सब कुछ बताते हैं। साथ में मैंने भी फ़ोन लेना है, तो मैं और ज़्यादा ध्यान से हर चीज़ सुन सुन के आपको बताऊँगा और एक ऑनेस्ट ओपिनियन और एक ऑनेस्ट फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगा। मैं द बैटरीज एंड गैजेट, और इनसे पूछते हैं कि प्लान्स ये कैसे दे रहे हैं। राइट, अब क्या हुआ कि जब मैं आया बैटरीज एंड गैजेट में, तो मुझे सैमसंग S22 अल्ट्रा पड़ रहा था $97 प्लस टैक्सेस। सो इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, राइट? क्योंकि मुझे फ्रीडम, जो फ्रीडम है ना, वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है $84 प्लस टैक्स, मतलब सब कुछ है इंक्लूडिंग टैक्स, तो वो ज़्यादा सस्ता है यार। क्यों मैं इतना महंगे भी खिंचाऊँ यार, इसको तो मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उसका पूछा क्योंकि अगर आप फाइडो के सिम के साथ जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी आपको कि आपको हर एक ज़्यादातर जो फ़ोन्स में आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। एक सैमसंग का था जिसमें नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सिर्फ सैमसंग का पूछा। अगर आपने आईफोन 15 प्रो लेना है तो वो $670 आपको पहले डाउन पेमेंट देने पड़ेगी अगर लॉयल कस्टमर हो फिर भी, एंड उसके बाद आपको फिर $33 या $34 के आसपास आपको मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही महंगा सौदा है। ठीक है, आई वॉज इन द टी बूथ, जो कि आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। सो मेरे को उन्होंने एक पेपर दिया, दैट इज दिस, जिसमें सब एक प्लान लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा समझा देते हैं साथ में, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या प्लान्स बताए और कौन कौन से ऑप्शन के साथ जाने के लिए उन्होंने हमें बताए। सो लेट्स गो थ्रू इट। गोइंग विद द टी बूथ, ठीक है, वो उसके हिसाब से बात करें, अगर फ्राइडो का अगर आप प्लान लेते हो फ्राइडो के अंदर, जो कि मेरा अभी एग्जिस्टिंग $38 का प्लान है इंक्लूडिंग टैक्स, इट इज़ $42, तो उसके अंदर हम 38 का लगा के चलेंगे, तो 38 प्लस 52, दैट इज सैमसंग S23 अल्ट्रा विद 256 GB, सो इट विल बी अराउंड 32 प्लस 52, हाउ 38 प्लस 52 इज $90 प्लस टैक्स, इट वुड बी अराउंड $100 के आसपास फ़ोन पड़ेगा, और हम उसको कीप भी रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे। फिर हम बात करते हैं 14 प्रो मैक्स की, जो कि 128 GB के आसपास है, आपको मिलेगा $60 माइनस 5, दैट इज ऑटोमेटिक पेमेंट $55 प्लस माई प्लान, इट वुड बी अराउंड $110-$120। फिर 15 प्रो मैक्स की बात करें, जो कि 256 वेरिएंट में अवेलेबल है ओनली, एंड देन इट्स 512 एज वेल, तो आगे आगे आप जा सकते हैं, दैट इज $75, दैट इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो उसमें आप $38 डालोगे तो $130-$140 का आपको पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 15 प्रो, राइट, देन इट्स 128 GB, ठीक है, बेस वेरियंट $62, सेम एज आईफोन प्रो, ओके, तो वो आपको ईजिली पड़ेगा अराउंड $110-$120, तो बहुत ही महंगा सौदा भाई, ठीक है। तो उसके बाद सौदा वाला का पता कौन करता है, गुरसाहब सिंह, ओके, तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर आप रॉजर्स के साथ आते हो, तो मेरा जो $38 का प्लान है वो सीधा जाके $55 के ऊपर जंप होगा, और उसके बाद आपको फ़ोन का प्राइस पड़ेगा, दैट रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइडो में आप फ़ोन रख सकते हो और आपको फिर भी उतने प्राइसिंग का पड़ रहा है, पर अगर आप रॉजर्स के साथ जाते हो, ठीक है, तो फ़ोन आपका नहीं होगा 2 साल के बाद ही, फिर भी आप उतना प्राइस पे कर रहे हो। सो अगर कंक्लूजन बताएं तो अभी तक तो मुझे फाइडो अच्छा लगा है, तो लेट्स गो टू फ्रीडम, लेट्स गो टू रॉजर्स इन पर्सनल स्टोर, जो कि आपको और अच्छे चीज़ें बता सकते हैं और ज़्यादा डिस्काउंट भी आपको बता सकते हैं। लेट्स गो। सेंटर तो आ गया, पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से जगह पे जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं रॉजर्स ढूंढ रहा हूँ, मैं फ्रीडम ढूंढ रहा हूँ, मैं फाइडो का पर्सनल स्टोर ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, तो आई एम लिटरली फाइंडिंग इट आउट। अभी कह रहे हो कि यार बेल के बारे में बताया नहीं, तो लेट्स गो टू बेल राइट नाउ, ठीक है, और बेल से पूछते हैं कि बेल कैसा हमें प्लान्स दे रहे हैं। सो ओके, लेट्स गो, दिस इज द बेल, बेल के पास ही तो मत जाओ, बेल सबसे महंगा है भाई, बंदा सीधा 150 से 150 तो कम तो बात ही नहीं है भाई, 150 से कम से इतनी महंगी महंगा भाई, हाई तो भाई हाथ को कान पे हाथ लगा लिए कि बेल के पास हाथ से ज़िंदगी तक कभी नहीं जाना, बहुत महंगा, बहुत महंगा।
जो कस्टमर हैं इनके बैल के उनके लिए अच्छा होता है, पर हमारे लिए नहीं, कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हमें रॉजर्स फाइनली मिल चुका है और लेट्स गो एंड और पूछते हैं कि रॉजर्स हमें क्या क्या और किस डील में दे रहा है। वैसे ज़्यादातर हमें पता है, पर फिर भी यार रॉजर्स से एक बार बात करके देखें, है ना। तो रॉजर्स से सेम एक्सपीरियंस मैंने पूछा कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए अपना एक मोबाइल लेना है, विच इज़ बेटर, सैमसंग और एप्पल। तो जो बंदा मेरे को बता रहा था उसके पास सैमसंग था, कहते हैं अगर ब्लॉग अगर ओवरऑल चीज़ों के लिए लेना है तो देन ओवरऑल मतलब हर चीज़ आप करते हो थोड़ा बहुत डेली यूज़, तो आप सैमसंग के लिए जाओ। पर अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है तो यू शुड गो विद द ऐप, ओके। सो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, प्लान सब कुछ सेम थे, 110 में 128 वाला पड़ेगा, ठीक है, और वो 102 का या 106 के आसपास, 102 का पड़ेगा विद टैक्स सैमसंग S23 अल्ट्रा, ओके। तो ये था, फाइडो के पास जाते हैं, फाइडो से पूछते हैं, ठीक है। Oh, now I'm in the Fido right now, और इनसे भी जाके पूछते हैं। Fido का भी सेम एक्सपीरियंस रहा, राइट, कि इनके पास तो स्टॉक ही नहीं, इसका तो जवाब ही नहीं आया कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो है यार। सबसे ज़्यादा दुखी तो Fido ने किया हुआ है, डाउन पेमेंट तो डाउन में घंटा डाउन पेमेंट दूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इतने लाले पड़े हैं डाउन पेमेंट देने के लिए और मैं नहीं देता, डाउन पेमेंट नहीं देंगे। तो सबसे अच्छा मुझे अब तक रॉजर्स लगा। फ्रीडम इज ऑल्सो गुड, पर उसकी बदनामी बहुत है यार, कहीं नेट ही नहीं आता। तो अब फ्रीडम के लोगों के पास जाके उनसे बात करते हैं, पर हमें फ्रीडम मिल नहीं रहा, मुझे कहाँ पे है। सो लेट्स गो फाइंड इट आउट। भाई क्या हो रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अभी मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला, तो उससे मैंने बातें की कि तेरे को जॉब कैसे मिली सब कुछ, और मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके फोन ढूंढ रहा हूँ। भाई वो भी कह रहा है फ्रीडम मत ले, भाई फ्रीडम मत ले, मतलब लाइक भगवान का इशारा हो रहा है कि फ्रीडम के साथ मत जा। बट हम तो ठीक है, शायद $10 बचा लेंगे, पर फ्रीडम के साथ जाएंगे ऐसा लग रहा है, बट देख लेते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट, ठीक है। रॉजर्स या फ्रीडम, दैट्स ऑल। फाइंडो के साथ मैं जाने नहीं वाला, क्योंकि आई डोंट वांट टू पे डाउन पेमेंट, राइट। तो इसलिए लेट्स फाइंड आउट वेयर इज फ्रीडम। फाइनली फाउंड फ्रीडम एंड लेट्स गो एंड चेक इट आउट व्हाट इट इज इनसाइड एंड कौन कौन से ऑफर हमें देते हैं। को फ्रीडम के बारे में बताते हैं, और लोकेशन मेरी कॉलेज है, ठीक है। तो फ्रीडम का हिसाब ये था कि अगर आप फ्रीडम से अपना फ़ोन लेते हो, दैट इज़ सैमसंग S23 अल्ट्रा, तो आपको पड़ेगा $75, और अगर टैक्स इंक्लूड करते हो तो इट इज़ $84। अगर आपको चाहिए iPhone 15 Pro, ठीक है, तो iPhone 15 Pro आपको पड़ेगा $95, एंड अगर टैक्स इंक्लूड करते हो एंड दैट इज़ $107, ठीक है, पर मंथ है विदाउट एनी अपफ्रंट एज, दैट इज लाइक आपको कोई भी ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, तो सीधा आपका फ़ोन आपके हाथ में आएगा, राइट। ऐसा सारा साफ होगा अगर आप फ्रीडम के साथ जाते हो, पर फ्रीडम का मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि इतना सा नेटवर्क नहीं होता, बट आई थिंक इट विल बी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, आई थिंक आई विल गो विद द फ्रीडम, ठीक है। और अब अगली वीडियो सीधा आएगी कि मैंने फ़ोन कौन सा लिया है, ठीक है, क्योंकि बस सब सीधा पूरा प्लान है फ़ोन लेने का, ठीक है। और इसके साथ ही अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बाय, टाटा, सी यू गाइस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।